हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सत श्री अकाल सारिआं नूं, किवें हो तुसीं सारे? तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास 'च। आपां कर रहे हां फोर्थ क्लास दी बुक रेनबो, ते उहदा सैकेंड लैसन शुरू करन जा रहे हां, द फार्मर एंड द बुलक कार्ट, किसान अते बैल गड्डी। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, टू डिवेलप लिसनिंग रीडिंग स्किल्स एंड टू डिवेलप द हैबिट ऑफ सेल्फ हेल्प अमंग द स्टूडेंट्स। सुनन पढ़न दे हुनर दा विकास करना ते नाल ही विद्यार्थियों विच खुद दी सेवा, खुद दी मदद, खुद दी सहायता करन दी आदत पाना। प्री रीडिंग, पढ़न तो पहला तुसी इन्हां प्रश्नों दे जवाब दो। शुड वी हेल्प अदर्स? की सानू दूजे दी मदद करनी चाहीदी है? जी हाँ, यस। हैव यू एवर हेल्प एनीबडी? की तुसी कदे किसे दी मदद कीती है? हां जी। हाउ डिड यू हेल्प हिम हर? तुसी उसकी किवे मदद कीती, उना दी किवे मदद कीती? यस, आई वंस हेल्प्ड अ चाइल्ड हु हैड लॉस्ट हिज वे। वो अपना रास्ता भुल गया सी ते मैं ओदी मदद कीती उस जवाक दी। ठीक है बच्चों, जे तुसी किसे होर बुजुर्ग दी मदद कीती, किसी लोड़वंद दी कीती, तां जरूर दस्सियो। न्यू वर्ड्स, नवे शब्द। फार्मर, किसान। मार्केट, बाजार। लोडेड, भरिया होया। आ देखो, आ गड्डी लोडेड है ना, भरी हुई। स्ट्रगल, संघर्ष करना। व्हील्स, पहिए। रिक्वेस्ट, बेनती। सक्सेस यानी कि सफलता। इग्नोर, किसे नू नजरअंदाज करना। पढ़ते हैं, सुरजीत वॉज अ फार्मर। सुरजीत एक किसान सी। इथे लिखिया हुआ है फार्मर दा मतलब हुंदा है पर्सन हु ओन्स और मैनेजेस अ फार्म। ओ व्यक्ति जो खेत दा मालक या फिर खेत दा काम करे, ओदी सांभ करे। ही वॉज 60 years old। ओहो 60 साल दे सी। ही हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन हिज फार्म। ओ अपने खेत विच बहुत मेहनत करते सी ते उन्होंने कीती भी सी मेहनत। द क्रॉप वॉज रेडी, ते फसल तैयार सी हुन मेहनत तो बाद। ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ टू द ग्रेन मार्केट। ते क्योंकि फसल तैयार सी ते वेचण लई उन्होंने सोचा कि खुद अनाज मंडी विच लेके जावांगा। मार्केट दा मतलब हुंदा है दुकान। ते इथे लिखिया प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स। ओ जगह जिथे लोग सामान खरीददे ते वेचदे ने ओनू मार्केट कहीदा। ऑन संडे इवनिंग, एतवार शाम नू, ही लोडेड द बुलक कार्ट विद द बैग्स ऑफ व्हीट। ओना ने कणक दियां बोरियां नाल बैलगड्डिया नू भरता। आ देखो, लोडेड दा मतलब पुट द थिंग्स ऑन, चीजां पानियां। अगे की होया, ऑन मंडे मॉर्निंग ही लेफ्ट फॉर द दाना मंडी। ते अगले दिन सोमवार सी ते सवेरे सवेरे ओ दाना मंडी लई रवाना हो गए। द पाथ वॉज कच्चा, जेड़ा रस्ता सी ओहो कच्चा सी, पक्का नहीं सी। इट हैड ऑल्सो रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, ते बीती रात भी बड़ी जोर के मीह पिया सी। पाथ दा मतलब हुंदा है बच्चे रस्ता, इथे भी लिखिया होया वे जिसका मतलब रस्ता हुंदा है। अगे पढ़ते हैं की होया, द फार्मर वॉज गोइंग स्लो। किसान हौली चल रहा सी, बिकॉज ही न्यू दैट द व्हील्स ऑफ द बुलक कार्ट माइट गेट स्टक इन द मड। किसान हौली चल रहा सी क्योंकि वो जानता सी कि जड़ी बल्द है ओदे जड़े पहिए ने, उस गड्डी दे पहिए फस सकते ने मिट्टी दे विच, चिक्कड़ दे विच, क्योंकि बारिश पई सी। एज ही वॉज पासिंग बाय अ फील्ड,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦ ਵੀਲਸ ਆਫ ਹਿਸ ਬੁਲਟ ਕਾਰਟ ਗੋਟ ਸਟਕ ਇਨ ਦ ਮਡ ਉਸ ਦੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਹਿਸ ਬੁਲਟ ਕਾਰਟ ਬਟ ਆਲ ਇਨ ਵੇਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਵੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਕਾਲਡ ਆਊਟ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਲਗਾਈ ਬਟ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡਸ ਇਗਨੋਰਡ ਹਿਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਕ ਨੋ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦ ਫਾਰਮਰ ਅਗੇਨ ਟ੍ਰਾਈਡ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪੁੱਲ ਦ ਬੁਲਕ ਕਾਰਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਮਡ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ All his efforts were of no use. ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਐਫਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਦ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਡਾਰਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸ ਓਲਡ ਐਂਡ ਵੀਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸਟਿਲ ਹੀ ਵਾਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹਾਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੇਮ ਐਂਡ ਲੈਂਟ ਅ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਨੇਜਰਸ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੇ ਦ ਥਰੀ ਆਫ ਦੈਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪੁਲਡ ਆਊਟ ਦ ਬੁਲਕ ਕਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੀਕੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵਡ ਵਿਦ ਪਲੈਨਡ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸ ਹੈਪੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਐਂਡ ਬਲੈਸ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈਟਸ ਆਨਸਰ ਆਓ ਉੱਤਰ ਦਈਏ ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾ ਹੂ ਵਾਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਵਾਸ ਅ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਹੀ ਗੋਇੰਗ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੀ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਟ ਵਾਸ ਹਿਸ ਬੁਲਕ ਕਾਰਟ ਲੋਡਿਡ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਕ ਕਾਰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੀ ਲੋਡਿਡ ਦ ਬੁਲਕ ਕਾਰਟ ਵਿਦ ਬੈਗਸ ਆਫ ਵੀਟ ਹਿਸ ਬੁਲਕ ਕਾਰਟ ਵਾਸ ਲੋਡਿਡ ਵਿਦ ਬੈਗਸ ਆਫ ਵੀਟ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਐਸ ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਸਿੰਗ ਬਾਏ ਅ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸ ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਸਿੰਗ ਬਾਏ ਅ ਫੀਲਡ ਦ ਵੀਲਸ ਆਫ ਹਿਸ ਬੁਲਟ ਕਾਰਟ ਗੋਟ ਸਟਕ ਇਨ ਦ ਮਡ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਐਸ ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਸਿੰਗ ਬਾਏ ਅ ਫੀਲਡ ਦ ਵੀਲਸ
ऑफ हिज बुलक कार्ट गॉट स्टक इन द मड। अगला, हु लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू द फार्मर। किसने किसान नू मदद दा हाथ दिता? टू यंगस्टर्स केम एंड लेंड अ हेल्पिंग हैंड। तो नौजवाना ने आके उदी मदद की थी। टू यंगस्टर्स हेल्प्ड द फार्मर। उन्होंने किसान दी मदद की थी। फुल स्टॉप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हुन तुसी जवाब चुनने ने सब तो पहला पिक आउट द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक स्पेस। सही उत्तर चुनो और खाली थां ते भरो। पहला, वंस अ डैश वॉज गोइंग टू द मार्केट। एक बार एक कौन दुकान जा रहा सी या बाजार जा रहा सी? पॉटर कुम्यार, फार्मर किसान, पेंटर चित्रकार। फार्मर। द बुलक कार्ट वॉज हैवीली लोडेड विद बैग्स ऑफ। बैलगड्डी किसते नाल लदी हुई सी? वीट कणक बारले जौ राइस ग्रेन चौला ते अनाज दे नाल। ओ लदी हुई सी वीट दे नाल। आगे, द फार्मर वॉज पासिंग बाय अ। किसान किस दे कोलो लंघ रहा सी? मार्केट बाजार फील्ड खेत विलेज पिंड फील्ड। द डैश हेल्प द फार्मर। किसने किसान की मदद की थी? यंगस्टर्स नौजवान, ओल्ड मैन बुजुर्ग इंसान, चिल्ड्रन बच्चिया ने। यंगस्टर्स ने मदद की थी नौजवान ने। आगे है गया बच्चों वोकेबलरी यानी कि शब्दावली। डेज ऑफ द वीक हफ्ते दे दिन। मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। फिल इन द ब्लैंक्स। खाली थामा परो। सब तो पहला, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे हफ्ते का पहला दिन है। Tuesday is the second day of the week. Tuesday हफ्ते का दूजा दिन है। Wednesday is the third day of the week. Wednesday या बुधवार तीजा दिन है हफ्ते का। Wednesday तो बाद आंदा है Thursday, ओहो fourth दिन है हफ्ते का। Friday fifth दिन हैगा है। सेवेंथ पूछया, देखो बच्चो ध्यान, सेवेंथ केड़ा आएगा? संडे। ट्यूजडे कम्स आफ्टर। ट्यूजडे किस तो बाद आंदा है? मंडे तो बाद। डैश कम्स आफ्टर फ्राइडे। की आंदा है फ्राइडे तो बाद? सैटरडे। डैश कम्स बिटवीन ट्यूजडे एंड थर्सडे। ट्यूजडे ते थर्सडे दे विचकार आंदा है वेनसडे। ठीक है बच्चो, अगे चलते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि साल दे महीने। आओ पढ़ते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एक बार फिर तो पढ़ लेते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। राइट द मंथ्स ऑफ द ईयर इन द गिवन स्पेस बिलो। इथे असी महीने लिखने ने साल ते। शुरू करते हैं। सब तो पहला आएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो हुन वधे आ अगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आवाजाई दे साधन, कार, गड्डी, एरोप्लेन, हवाई जहाज, बाइसिकल जेड़ा साइकिल हुंदा है, शिप, जहाज, ट्रक, ये भी थानू पता है, बोट, किश्ती, ट्रेन, रेलगड्डी, रिक्शा, इनू हिंदी च भी रिक्शा कही दे, हेलीकॉप्टर, वो भी हेलीकॉप्टर, वैन, ये भी पता है थानू, एक तरीके दी गड्डी, जीप, रॉकेट, जेड़ा उत्ते जांदा है आसमान तो भी उत्ते, दूजी दुनिया, यॉट, वड्डी किश्ती कह सकते हैं, बस, ये भी थानू पता है। इथे लिखे है राइट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आवाजाई दे साधन दे ना लिखो, वाटर ट्रांसपोर्ट दे ना लिखने ने, यानी कि जल आवाजाई। हुनी आपा पढ़िया यॉट, शिप, बोट, ते एक नवा है बच्चों, इनू आपा कहने हैं सबमरीन, जेडी बोट पानी दे नीचे तैरती है, चारे पासे तो ढकी हुई हुंदी है, पानी दे थल्ले हुंदी है। ठीक है बेटा, अगे चलते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जेडे धरती उत्ते चलन वाले आवाजाई दे साधन ने। सब तो पहला शुरू करते हैं ट्रैक्टर, बाइक, मोटर बाइक जेडे मुंडे चलांदे ने, तुसी स्कूटर भी लिख सकते हो, कार, वैन, बस, ट्रक, ट्रेन। अगले हैगे ने एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि हवाई आवाजाई दे जेड़े साधन हैगे ने उना बारे गल करनी है। ये तो होर भी सौखा है, सब तो पहला जेड़ा साडे कोल हुंदा है वो है एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। फिर हो गया बच्चों एक ना गुब्बारा हुंदा है बलून, वड्डा सारा, उहदे ते बैठ के भी उत्ते जाया जा सकता है। फिर हेलीकॉप्टर, ते एक हो गया रॉकेट। ठीक है, अगे चलते हैं लैंग्वेज कॉर्नर, भाषा दा कोना, ए पार्ट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हेठ लिखे वाक्यां नूं वेखो। पहला है मुस्कान वॉन्टेड टू बाय एप्पल्स, मुस्कान वेंट टू द मार्केट, मुस्कान सेब खरीदना चाहती सी, मुस्कान बाजार चली गई। कीरत ऑल्सो वॉन्टेड एप्पल्स, कीरत वेंट विद मुस्कान, कीरत नू भी सेब चाहिए सी, कीरत मुस्कान दे नाल गई। तीजा, मुस्कान एंड कीरत आर नाउ ईटिंग एप्पल्स, मुस्कान अते कीरत हुन सेब खा रहे ने। हुन एथे दस्या गया बच्चों, दीज सेंटेंसेस कैन बी रिटन एज, ये जेड़े वाक हुनी आपा पढ़े ने उना नू इस तरीके नाल भी लिखिया जा सकता है। आओ देखिए किस तरीके नाल। पहला, मुस्कान वांटेड टू बाय एप्पल्स, वो आपां मुस्कान दा ना उदा दा उदा रखता, आ देखो सौखा हो जाएगा, ये उदा दा उदा, शी वेंट टू द मार्केट, इत्थे उदा ना वर्तन दी था आपा की यूज कर लिया शी, ओहो बाजार चली गई। फिर कीरत ऑल्सो वॉन्टेड एप्पल्स, ठीक है कीरत दा ना एक बार तो वर्तना ही वर्तना है, ही वेंट विद हर, कीरत एक मुंडा है ता ओहो ही आ जाएगा क्योंकि कीरत मुंडा है, वेंट विद हर, हर कौन है, मुस्कान, ओहो उसके नाल चला गया। अगे है मुस्कान एंड कीरत, फिर दोबार तो नाम लिखे है, ओदी थां इन्हां दोवां दी थां ना दी थां आपां यूज कर लिया दे, ओहो।
आर नाउ ईटिंग एप्पल्स, ओ हुन सेब खा रहे ने। समझ गए बच्चों की करता पा ना दी था, पहला मैं एथे शी दी वर्तों की थी, फिर किरत ले क्योंकि वो मुंडा है ही दी, एथे एदी वर्तों की थी हर, दोमा दी गल की जा रही है ता मैं दे दी वर्तों की थी यानी कि ओह। प्लीज नोट दैट वी हैव यूज द वर्ड्स इन पिंक इन प्लेस ऑफ नाउंस। कृपा करके यह नोट करो, ध्यान दो भी असी नाम दी थां ते गुलाबी विच जेड़े शब्द ने उना दा इस्तेमाल किता, उना दी वर्तों कीती है। द वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो नाव दी थां ते या नावां दी थां ते वर्ते जा सकते ने उना नू आपां प्रोनाउन कहीदा, पंजाबी विच वी इहनू पढ़ना भी कहीदा। नाउन दी थां ते वर्ते जांदे ने ना, विद दी हेल्प ऑफ प्रोनाउंस रेपिटिशन ऑफ नाउंस कैन बी अवॉइडेड। जे आपां पढ़नाव दा इस्तेमाल करिए नावां दे दोहराउण तो बचिया जा सकता है, उना दा बार बार इस्तेमाल करन दी लोड़ नहीं पाएगी। हुन आओ देखिए, फिल इन द ब्लैंक सिलेक्टिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन चॉइस। एथे दिता गया वी हेठ दिते गए वाक्य जेड़े ने उना विच सही पड़नाव दा इस्तेमाल करो। डैश वेंट टू डेली यस्टरडे, की आएगा? कौन दिल्ली गया कल? हिम, हर या दे? बच्चों एथे लिखिया है डैश वेंट, हिम वेंट नहीं गल बनती, हर वेंट भी नहीं आएगा, एथे आएगा दे वेंट, ओहो दिल्ली गए कल। अगला, डैश आर गोइंग टू स्कूल, ही आर गोइंग, ही ता कल्ला है एक बंदा, शी भी कल्ला है, एथे आर दा प्रयोग किता गया यानी बहुवचन आएगा, वी आएगा, असी, वी आर गोइंग टू स्कूल, असी स्कूल जा रहे हैं। आई सॉ सीमा एंड मोना, मैं सीमा अते मोना नू वेख्या, हुन दो लोग हो गए, शीता नहीं आएगा, देम भी नहीं आएगा, They were going for a picnic. Oh, picnic लई जा रहे सन, दे नहीं आएगा, जिन्ना प्रैक्टिस करोगे उन्ना समझ आएगा बच्चों। डैश इज ए बहुवचन नहीं आएगा, एक वचन लई इज यूज करीद है। दे बहु हो गए बहुवचन, ही इज रीडिंग या वी इज रीडिंग, ए भी नहीं आएगा, ही इज रीडिंग अ स्टोरी, ओह एक कहानी पढ़ रहा है। ध्यान रखियो जब एक बंदे दी गल हुंदी है ता इज आंदा है, जब एक तो वध दी गल हुंदी है ता आर आंदा है। डैश लाइक्स एप्पल, शी लाइक्स, हिम लाइक्स, देम लाइक्स, बच्चों एक दी गल हुंदी है, देखो पीछे भी एस लगया हुआ है ना, इथे ना ओनू से पसंद ने, शी आएगा। लिसन स्पीक एंड एंजॉय, पहला ये साफ कर दिए, चलो एथे तुसी आ निशान भी ला लियो ताकि पता लग जाए भी असी की सिलेक्ट कीता। कमांड्स, हुक्म, प्लीज वेट, कृपया करके उड़ीक करो, बी केयरफुल, ध्यान रखो, ध्यान नाल, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी गल ध्यान नाल सुनो, डू योर होमवर्क डेली, अपना होमवर्क रोजाना करो। अगे चलते हैं, राइम, कविता, बी गुड, चंगे बनो, बॉय बॉय बॉय, लाइफ इज अ जॉय, मुंडा मुंडा मुंडा, जिंदगी एक मजेदार खेड है, गुड गुड गुड, चंगा चंगा चंगा, स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, साए 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 यानी कि सा लेना, नेवर टेल अ लाई, कदे झूठ ना बोलो, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ईमानदारी सब तो उत्तम है कि नहीं, एक बार फिर तो पढ़िए, बी गुड, बॉय बॉय बॉय, लाइफ इज अ जॉय,
गुड 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 स्पीक द ट्रूथ साई 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 नेवर टेल अ लाई टेस्ट 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 ऑनेस्टी इज द बेस्ट रीडिंग प्रैक्टिस पढ़न दा अभ्यास प्रोनाउंस सी के एज इन नेक ए सी के दी आवाज किवें आंदी है जिवें गर्दन नेक दा मतलब गर्दन एदे विच आंदी है नेक क क क दी आवाज आंदी है आओ पढ़िए नेक गर्दन डेक एदा मतलब जहाज दा फर्श ओनू डेक कही दा ठीक है पैक जब चिड़ी चोंच मारती है ओनू आपा पैक कही दा पिक चुको टिक ए वाला निशान सही था लिक चट्टो सिक बीमार थिक मोटी स्टिक सोटी पकेट बाल्टी टिकेट जेड़ी आपां लैंदे आं बस ते जाण लई रेलवे स्टेशन जद पहुंचदे आं या सिनेमा हॉल पॉकेट जेब जैकेट कोटी अगला सैक बोरी बैक वापस अपनी पिठ नू भी बैक कही दा रैक जिदे ते आपा समान रख दे आ पैक किते भी जान लई असी अपना समान बन दे आ उनू पैक कही दा ब्लैक काला लॉक ताला रॉक पत्थर क्लॉक कड़ी फ्रॉक जिहड़ी कुड़ियां पांदियां ने फिर तो पढ़ लैंदे आ नेक डेक पैक पिक टिक लिक सिक थिक स्टिक बकेट टिकेट पॉकेट जैकेट सैक बैक रैक पैक ब्लैक लॉक रॉक क्लॉक फ्रॉक क दी आवाज आंदी है पीछे ठीक है बेटा अगे है द काउ गां बारे आओ पढ़ते हैं पहला द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल यानी कि गां एक घरेलू या पालतू पशु है दूजा इट हैज फोर लेग्स उस दिया चार लत्ता ने टू आईज दो अखां टू ईयर्स दो कान एंड अ टेल ते एक पूछ है इट गिव्स अस मिल्क ए सानू दूध दिंदी है इट ईट्स ग्रास एंड फॉडर ए का अते चारा खांदी है इट्स मिल्क इज वेरी हेल्थी इस दा दूध बहुत सेहतमंद हुंदा है Many sweets are prepared from its milk. Is de dudh to bahut sari mithaiyan taiyar kiti jandiyan ne. The cow is a very useful animal. Gaan ek bahut upyogi janwar hai jo bahut kam aanda hai. Aur phir to pad lende haan. The cow. The cow is a domestic animal. It has four legs, two eyes, two ears and a tail. It gives us milk. It eats grass and fodder. Its milk is very healthy. Many sweets are prepared from its milk. The cow is a very useful animal. Writing desk. लिखण दी कोशिश करांगे इत्थे लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट इट तस्वीर नु देख के पांच वाक बनाओ सब तो पहला एवरीबडी इज एंजॉयिंग एट द पार्क सारे मजे कर रहे ने पार्क दे विच फिर इत्थों शुरू करते हैं A kid is buying balloons. एक बच्चा गुब्बारे खरीद रहा है. A kids
are enjoying आइसक्रीम, बच्चे आइसक्रीम भी खा रहे ने, फिर देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, पार्क दे विच झूले भी ने, अ बॉय ऑन हिज डैड्स shoulder is walking on the road. आ देखो मोड़े ते चुकिया होया ना, shoulder यानी कि मोड़ा, ये बच्चा अपने पिताजी दे मोड़े आते बैठ के सड़क दी सैर कर रहे हैं। अगे करते हैं, value I learned, केड़िया चीजा है गया जो आज मैं सीखी, put a tick or cross for the following sentences, हेट दिते वाका ले सही या गलत दसो, केड़ा ठीक है केड़ा गलत है। आओ सब तो पहला, always speak the truth, हमेशा सच बोलो, ठीक है। depend on others, दूजियां ते निर्भर करो या निर्भर रहो, बिल्कुल भी नहीं, अपनी मदद खुद करो। never help anyone, कदे भी किसी दी मदद ना करो, ये भी गलत है, हमेशा दूजियां दी मदद करो। Keep trying, कोशिश करते रहो, बिल्कुल। Believe in God, रब ते विश्वास करो, बिल्कुल जी। Activity time, गतिविधि दा समा, देखते हैं केड़ी activity है। Make flash cards of vehicles, बच्चों sheet ते ऐदा करके तुसी वक वक वाहना दे ना लिखने ने। Every student will show his flash card and speak one two sentences about the vehicle. उस तो बाद हर विद्यार्थी अपना जिड़ा कार्ड होएगा, जे किसी ने कार लिखिया है, बस लिखिया है, एरोप्लेन लिखिया है, वैन लिखिया है, रेल लिखिया है, ओदे बारे एक या दो वाक बोलेगा। इंच करके तुसी खेड सकते हो क्लास दे विच। अगे थिंक ओवर इट, इस बारे सोचो, सक्सेस डज नॉट कम ऑन इट्स ओन, सफलता अपने आप नहीं आंदी साडे तक, वी हैव टू अचीव इट विद हार्ड वर्क, इस नु पाउण लई सानू सख्त मेहनत करनी चाहिए, सफलता नु पाउण लई या प्राप्त करन लई सख्त मेहनत दी जरूरत हुंदी है। ठीक है बच्चों, सोचो ते मैनू दस्यो भी गल सच्ची है या नहीं। हुन आपां मिलांगे अगली क्लास च, तब तक टेक केयर, बाय बाय।